गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ढेर सारा काम, आज करना है बहुत सारी शॉपिंग, और कल जो मैंने सामान लाया था उसको एडजस्ट भी करना है, उसको रखना है अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग कि मैंने आज क्या-क्या किया और मैं आगे क्या करने वाली हूँ। गई थी मैं दूध लेने, तो वहीं पे मिल रही थी ये बनी बनाई पापड़ी। देखिए कितनी बढ़िया है, बनाने में भी मेहनत नहीं लगेगा और ये सिर्फ 20 रुपए का पैकेट है, बहुत सारा है इसमें। और तो फिर मैं साथ में ले आई दही का पैकेट। अब शाम में हम बनाएंगे पापड़ी चाट। पापड़ी चाट में यूज होते हैं भल्ले भी, तो भल्ले के लिए हम थोड़ा सा ले लेंगे मूंग दाल, और इतने ही अमाउंट में मैं ले लूँगी उड़द दाल, और दोनों को 2 घंटे के लिए भिगा देंगे, फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी मैं इतना ही कर रही हूँ, इसके आगे का प्रोसेस करेंगे शाम में। अब मार्केटिंग के लिए जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि लंच बना के ही जाऊँ, क्योंकि 3 से 4 घंटे का टाइम तो लगेगा ही, और आने के बाद फिर खाना बनाने की एनर्जी नहीं रहती है। तो मैंने दाल चावल बना दिया है, आलू भी बॉईल कर दिए हैं, अब मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो मिलते हैं अब मार्केट में। सबसे पहले हम आए एक्वालाइट के शोरूम में, वहाँ से मुझे लेनी थी सैंडल। मेरे हस्बैंड को शू लेना था, मेरे बेबी को भी सैंडल लेना था, तो पहले हमने अपने फुटवेयर की शॉपिंग की, इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। अब हम आ गए हैं सैलून में, और मेरे बेबी को हेयर कट कराना था, तो उसकी हो रही है हेयर कटिंग, तो देखते हैं उसका फाइनल लुक कैसा आएगा। ये है मेरे हीरो का फाइनल लुक, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि वो कैसा लग रहा है। अब हम आ गए हैं शॉपिंग करके घर, और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का चोखा। आलू मैंने दाल के साथ ही बॉईल कर दिए थे, और अब हम करेंगे लंच, और हमारा लंच ऑलमोस्ट सुबह ही रेडी हो गया था, थोड़ा बहुत जो बचा था मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ।
लंच करने के बाद मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट, और आज शाम को मुझे बनाने थे दही भल्ले, तो अब मैं लग गई हूँ उसके प्रिपरेशन में। मैंने ये जो दाल वाला मेरा बैटर था वो मैंने रेडी कर लिया है, और तेल गरम करके मैं इसमें एक एक चम्मच डाल के इसको बरी के जैसा बना लूँगी। और ये देखिए बहुत जल्दी ही ये फूल जाता है और बहुत पफी सा बन जाता है। अब इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद हम इसको डालेंगे कुछ सेकंड्स के लिए पानी में। ये देखिए जैसे मैं एक दो बार इसे पलट के तुरंत निकाल लूँगी, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं पापड़ी चाट की प्लेटिंग। ये पापड़ी को मैं तोड़ तोड़ के रख दूँगी, जिससे चम्मच से उठाने में आसानी रहेगी। और इसके ऊपर हम डालेंगे अपने भल्लों को तोड़ तोड़ के। इसमें डाली जाती है मीठी दही, एकदम से मीठी होती है। इसमें दही में आधे घंटे पहले चीनी और ज़रा सा नमक डाल करके मिला के फ्रिज में रख देना होता है, और एकदम ठंडी दही होनी चाहिए। इसको अब हम इस तरह से डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम सौंठ। सौंठ मीन्स इमली की मीठी चटनी, जिसको गुड़ के साथ बनाया जाता है, और थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, वही चाट मसाला, काला नमक, और ऊपर से थोड़ा सा सेव। मेरे पास बारीक सेव नहीं था तो मैंने मोटी वाली सेव ही डाल दी है। और बस रेडी हो गया हमारा पापड़ी चाट विथ दही भल्ले। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।